अरे कोई और ले लेना, ये सैंडल ले ले कुछ टाइप का। 100 रुपए में दे रहे हैं, 100 रुपए में ये ले ले। से मारते हैं चप्पल। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम रुड़की की इस नहर पे। तो आज जो है गर्मी के कारण जो है काफ़ी लोग जो है इस पर डुबकी लगाते हुए, हमारी जो गंगा मैया है ये गंग नहर है, जो कि आपको मैंने पहले बता चुका 150 साल पुरानी है। सामने रुड़की का वही मजदूर वाला पुल, इधर की तरफ सब्जी मंडी वाला है वो बीटी गांधी वाला पुल है, और ये कुछ ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके आपके ही चैनल में। मैं ग्रीस बहुत स्वागत करता हूँ आज के डेली ब्लॉग पे। तो चलिए आज जो है हमको रुड़की ले चलते हैं। रुड़की में आज आपको जो है वहाँ का वेडनेसडे मार्केट ले जाएंगे, जहाँ से हम आज जो है थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। गर्मियों के कपड़े जो है वहाँ कैसे आ रखे वो भी आपको दिखाएंगे, क्या रेट है क्या क्वालिटी है आपको दिखाएंगे। अक्सर जो है गर्मियों में आपको जो है कुछ हल्के कपड़े चाहिए होते हैं, जो कि आप जो है रोड स्ट्रीट मार्केट से ले सकते हैं। तो वही मार्केट जो है आज हम चलेंगे और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या वहाँ पर आज देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही आपको इस वीडियो को कंटिन्यूस करने से पहले वही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलो भाई अब चलते हैं मार्केट। अभी आ चुके हैं हम अपनी कॉलोनी के मार्केट के बाहर पे। कुछ आर्मी वाले जो है अपने क्वार्टर शिफ्ट करते हुए इधर जो है सब्जी की दुकान लगती हुई अभी हो चुका है शाम के 5 बजे के ऊपर। अब जो है इवनिंग की मार्केट में हम जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में। आप सोच रहे होंगे कि आवाज़ जो है अभी भी जो है इम्प्रूव नहीं हुई, तो ये GoPro में जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो GoPro के लिए हम दूसरा वाला माइक लेंगे। शायद से जो है अभी हम सिविल लाइन चलते हैं और सिविल लाइन में ही आपको जो है यहाँ के वेडनेसडे जो मार्केट होती है रुड़की में वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो है जो ये मार्केट लगती है स्ट्रीट वाली, ये मार्केट लगती है थर्सडे को, वो भी शक्ति मोहल्ले में लगती है रुड़की के दूसरे पार नहर के दूसरी तरफ वहाँ पर लगती है। अभी हम जा रहे हैं पीछे के रास्ते से, एक जो मेन रास्ता है जो कि आर्मी के अंदर से जाता है, दूसरा मार्ग रास्ता जो है वो रास्ता है पीछे वाला रास्ता जो कि गांव के एरिया से निकलता है। तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ की भी रोडें आप जो है ठीक ठाक हो गई, अच्छे रास्ते बन चुके हैं पक्के रास्ते। तो देखिए दोस्तों यहाँ का रास्ता कितना शानदार हो गया है। अब यहाँ से जो है रोड पहले प्रॉपर नहीं थी, आपको कुछ ब्लॉकों पहले जो है जब हम बाइक लेने के लिए गए थे ये पल्सर जो आप जिस पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर रास्ता बिल्कुल ख़राब हो रहा था, और यहाँ पे जो है आप आर्मी वालों ने जो है यहाँ पर रास्ता बनाने के लिए जो है लगता कुछ प्रयास किए थे, तभी जो है ये रास्ता बन चुका है। इधर की तरफ देख सकते आर्मी का एरिया है, उधर वो केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल है वो होता है, यहाँ पर जो है ब्रिजेश ने पढ़ाई की है। ऊपर देखिए यहाँ पे चेक पोस्ट बना रखी है इन्होंने, तो इधर की तरफ आर्मी का पूरा एरिया है, बचपन में हम यहाँ का काफ़ी खेला करते थे।
अभी हम पहुंच चुके हैं रुड़की के मार्केट में, जो कि ये पीछे के खंजरपुर वाले एरिया से है, विशाल मेगा मार्ट के पास से निकल गया है। देखिए यहाँ पे सब्जी की दुकानें वगैरह तो लग चुकी हैं। अब नाइट शाम की जो मार्केट है तो सारी ये है गोलगप्पे और ये जो है चाट पकौड़ी की जो है दुकानें भी लग चुकी है। सामने आपको तरबूज और फल फ्रूट की सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तरबूज काफ़ी सारे आ रखे हैं, तरबूज और खरबूज जो कि गर्मी को मौसम लाते हैं। तो हम तो आज जो है यहाँ पे आज का मार्केट जो है रुड़की का बंद होगा, तो हम तो स्पेशली यहाँ पे वेडनेसडे मार्केट देखने के लिए आए, क्योंकि छोटे बच्चों के हमें कपड़े लेने हैं। साथ में देखते हैं मधुबनी जो है एक आध टी शर्ट कैप्टा ले लिया गया, अच्छी क्वालिटी की मिल गई। तो सबसे पहले तो हम बाइक को लगा लेते हैं स्टैंड पे। आज पैदल जो है थोड़ा आराम से जो है शॉपिंग करेंगे और पता करेंगे कि क्या क्या रेट है, तो साइड में लगा लेते हैं। देखिए कितनी सारी भीड़ है। तो लगा लेते हैं बाइक को। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम रुड़की की इस नहर पे। तो आज जो है गर्मी के कारण जो है काफ़ी लोग जो है इस पर डुबकी लगाते हुए, हमारी जो गंगा मैया है ये गंगा नहर है जो कि आपको मैंने पहले बता चुका है 150 साल पुरानी है। सामने रुड़की का वही मशहूर वाला पुल, इधर की तरफ सब्जी मंडी वाला है वो पीटी गांधी वाला पुल है, और ये कुछ ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट में। लॉक हमने लगा दिया है, एक एक्स्ट्रा कवर के लिए एक दूसरा लॉक भी लगा लेते हैं। भाई अपनी गाड़ी की जो है सुरक्षा हमारे हाथ खुद ही है, इंश्योरेंस तो हमने करवा रखा है, बट एक्स्ट्रा कवर देनी बहुत ज़रूरी है। मधु को क्या कहना है इस बारे में, एक्स्ट्रा कवर देते हैं तो लगा ही लेते हैं इसमें। कुछ इस प्रकार से हम हर रोज़ इस पर लगाते हैं। तो ये मार्केट का एरिया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग तो कुछ है नहीं और ऐसे लगाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो चलो भाई चलते हैं बैठने से वाली मार्केट में। ये हैं आगे हमारे 150 में दो सूट मिल रहे, पता नहीं कैसे होंगे, एक तो ले बताने के लिए। तो मधु चलते यहाँ पे देखते हैं, 150 के दो सूट मिल रहे हैं, देखते हैं इनकी क्वालिटी क्या है। अभी 150 की तीन हो गए, ये क्या रेट है हैं मधु, ये लेना। चलो अब चलो भाई चल चलते हैं। ये रहे बच्चों वाले कपड़े, नहीं ऐसे वाले कपड़े मिलते हैं उनके। अच्छा तो भाई आप जो पहुंच चुके हैं मार्केट में, तो कुछ बच्चों के कपड़े इस टाइप से, बच्चों के टोपे हैं, कैसे टोपा देख लें क्या क्या रेट है। 40 रुपये क्या जूतियाँ देख लें। तो दोस्तों अभी आप आ चुके हैं मार्केट में, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जगह यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो सामने आप देख सकते हैं मार्केट का हाल, काफ़ी सारी भीड़ है, और मधु यहाँ जूतियाँ देखना चाह रही है। पहले पास भी तेरे पास भी जूतियाँ थी, वो तुमका क्या हुआ, वो तो खराब हो गई। खराब हो गई, क्वालिटी कुछ बढ़िया लग रही है, क्या है चीज़ का है। लेकिन ये ढीले हो जाते हैं बहुत जल्दी, देखो क्वालिटी में कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है।
ये कपड़ा है कुछ दिनों में गर्म हो जाएगा, गंदा हो जाएगा कि इसके साथ है ना। तो पार्टी में पहनने के लिए ठीक है ना, पार्टी वेयर है। टी शर्ट लेडीज वाले टी शर्ट है, लेडीज की टी शर्ट है। अरे लेडीज वाले भाई साहब, हाँ है जानता भी है। छोटे बच्चे हुए हैं, लेडीज टी शर्ट की दुकान कहाँ है? हाँ देख लो, भाई क्या रेट है, क्या रेट है भाई साहब? ये तो है 15-16 हज़ार रुपये, ठीक है। कहाँ से पट्टा जरा देख लो वहीं से, पहले ठीक होता फिर बाद में वो फट जाता तब बोलते कि ठीक है, ठीक लग रहा है देख ले फिर बाद में मुझे बोलना क्वालिटी खुद ही चेक करना। ले ले लेडीज वाले टी शर्ट नहीं है क्या? अरे लेडीज वाली टी शर्ट है पर वो लोग छोटी इसकी लग रही है, बड़ी बड़ी नहीं होती थोड़ी से। ये सही नहीं है ये, देख ले कैसे लग रही है यहाँ पे, ये देख कैसा है। अरे नहीं यार वो देख ली,
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप के प्लाजो लगे हुए हैं और मधु के दो है फाइनल हो चुके हैं। तो मधु आप पेमेंट कर रहे हैं जा रही है, अब देखते हैं इसके बाद जो है मधु का जो है टी शर्ट, तो वो भी देखते हैं टी शर्ट कहाँ मिलती है। वो लेडीज़ वाली टी शर्ट है, ये छोटी सी नहीं लग रही है, थोड़ी बड़ी वाली नहीं आती, बड़ी वाली अच्छा ख़त्म हो गई है। चलो ठीक है कहीं और देखते हैं। चलिए हम देखते हैं किसी और दुकान पे, वहाँ देखते हैं वहाँ की शर्ट मिल जाएगी। डेढ़ सौ में दो टी शर्ट, तो अभी जो है यहाँ पे अलग अलग दुकानें में पहुँच रहे हैं। ये लेडीज वाली, हाँ भाई लेडीज वाली टी शर्ट देख लो, ये भाई फाइनली जो है टी शर्ट है, क्वालिटी बढ़िया नहीं है, कैसे दिखा ये हल्की सी क्वालिटी लग रही है थोड़ी। अच्छी क्वालिटी नहीं है, चलो ठीक है कहीं और देखते हैं। बस भाई यहाँ पर जींस भी तगड़ी वाली लग रही है, वो देख वहाँ पे वो टी शर्ट है, हैं ₹50 का 100 रुपये के 2 कपड़े 100 रुपये के 2 कपड़े 100 में 2 सौ में दो, ये 100 में दो यूनिट्स का सामान है, 100 में दो ही है, 100 में दो है। पिछली बार जो लिया था क्या लेके आए थे, ये अलग है। अच्छा देखो तो आते बाद में, वो आते नहीं थे भाई, वो अच्छे वाले नहीं बचे थे ऐसे लेडी वाले, यही बच रहे। देखते हैं भाई टाइम क्या हो गया है, 6 बज चुके हैं। ये उसके पैर पर नहीं आएंगे, तो छोटे ज़्यादा बड़े हैं हैं, और उसके पैर में तो अभी आएंगे नहीं कोई ना, वो चप्पल देख ले। ये ठीक लग रही फिर भी क्वालिटी इसकी। ये कलर बढ़िया है यार, ये ढीली आ रही है, देखो ऐसी चाहिए फैंसी चाहिए पार्टी वेयर की है। ये वाली मेरे गुलाबी थी, ये वाली दिखाना भाई, गुलाबी वाली।
अरे फाइनली ये जो है ये वाली सैंडल जो है मधुने फाइनल कर दी है, 100 रुपये की मिल रही है। चलो 2 महीने भी चले इनफ है मधु के लिए। 100 रुपये में 2 महीने भी चल जाए काफ़ी है। ठीक लग रही है? हाँ ठीक लग रही है। तेरे को एक ही पैर की लग रही थी क्या पहले? हाँ। देख लो फिर मतलब बोलने लगे कि भाई एक ही पैर की है दोनों। ये ऐसे पतला सा लग रहा है, ये मोटा सा लग रहा है, ऐसा क्यों? देख ले वो उतार के देख, नंबर देख ले। ये 11 नंबर वैसे लिख रखा है जी, इसी तरह से यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे 11 नंबर लिख। अरे कोई और ले लेना, ये सैंडल ले ले कुछ ही टाइप का। 100 रुपये में दे रहे हो, 100 रुपये में ये ले ले। से मारते हैं चप्पल। चलो ये बना लो बच्चे के लिए जोड़ा, 150 रुपए का जोड़ा, अरे कोई और दूसरे कलर दिखा दे, कौन सा? नीला नीला ये ऐसे अगले नीला नेवी ब्लू वो ठीक नहीं है, गंदे तो होते रहते तेरे कपड़े। ये आ जाएगी तेरे पे मेरे कलर अजीब सा नहीं लग रहा है, उड़ा उड़ा सा दिखा रहा है वो नीला कलर जो उसमें दिल का बन रहा है वाले ठीक नहीं है, काला लग रहा था अभी, काला लग रहा होगी जो लेना जो लेना ये ले ले। कौन सा वाला? ये इसमें दिल का लग रहा है। ये दिखाना भाई, ये ले ले चल। जेब भी चाह रही तो नीले वाला देखा ना ऊपर, वो जो दो दो पीस पड़े वो। हाँ ये और से अगले, ये और इससे पहले वाला दोनों इसे भी लीजिए। जेब नहीं है इसमें भी, जेब नहीं है, जेब वाली जेब की जेब है ले ले आप फोन ले ले। कलर इसका उड़ा उड़ा सा नहीं रहता है, पर्पल कलर है भाई ऐसे वाला वो। अच्छा तो ले ले पर दो ले ले। इसे अगले वाला ये नीले वाला इसमें तो इसमें जेब है, जेब है नहीं है उसमें, नहीं है ये वाले क्या रेट है भाई इसका? ठीक है ठीक है। तो भाई ये जो टी शर्ट है ठीक लग रही है तो इसे जो है ले लेते हैं ना भाई। कितने की है? चेक कर लो पता नहीं यार आएंगे नहीं आएंगे, आ जाएंगे जी। तेरे को तू बता तेरे मुझे नहीं पता, तेरे को आइडिया होगा तेरे टी शर्ट इतनी छोटी होती है ढीला आ जाएगी तेरे पे पक्का। ठीक है ले ले दो दो कर दो। Okay.
बच्चे के लिए 150 रुपए के दो पीस। चलो इतने बिना जेब वाली तो बहुत सारी अच्छी अच्छी भी थी कलर में, है ना, बिना जेब वाली। बच्चे के लिए जोड़ा 150 रुपए का जोड़ा, लोअर टी शर्ट केवरी नेक का 150 रुपए का जोड़ा। चलो ये बच्चे के लिए दे दे दो पीस 150 के, दो पीस 150 रुपए के, लोअर टी शर्ट केवरी नेक का दो पीस 150 रुपए के। चलो ये बना लो बच्चे के लिए जोड़ा 150 रुपए का जोड़ा। इसमें से लेना है किसके लिए चाहिए थे? अच्छा ये क्या रेट है भाई? छोटा वाला 100 का लेना के। कैसी लग रही है? ठीक ही लग रही है। क्या कहें हैं? यार ये मधु आ जाएंगे क्या? हम कैसे हैं? ये ग्रीन कलर भाई, दो 50 के दे दिए दोस्त। 100 का दे दिए, 200 के दे दिए। ये साल से नीचे है ना? हाँ, तो ये कितने का बता रहे? 100 के दो है। 100 की दो ले ले, 100 रुपए की दो है। गर्मी के लिए बढ़िया है, दो ले ले। तो 50-50 ठीक है। स्कूटर ठीक नहीं लग रहा है वाला, ये वाला स्कूटर हैं एप्पा पता नहीं कौन देगा, तो बढ़िया लग रहा है देखने में। हैं तो पूछिए कितने का लिया था ना? एक टोपी कितने की भाई? एक साल से छोटे बच्चे को कपड़े दिखाना, एक साल से छोटे बच्चे 6 महीने के। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है बुलाया ना। और दिखाओ छोटा बच्चे का 100 रुपए का। ये किसका? 100 रुपए बच्ची का। ये तो मनु के आएगा आराम से, ये अच्छे नहीं है। फिर एक आइटम और दिखाओ, स्लीवलेस है वैसे होने चाहिए। कैसे वाले? 50 रुपए स्लीव के साथ में। स्लीव के साथ नहीं है, टी शर्ट 50 रुपए। ये ऐसे आते हैं बच्चों के लिए यार, ये फिर कैसे ले लें? ले लो यार, तेरे को नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना तो बता। चलो ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई, ये ऐसे वाले स्लीव वाले नहीं है जिसमें स्लीव है। एक ले लें पर्पल वाला, लेडीज वाले का ये वाले ये भी टी शर्ट है, टी शर्ट है बड़ी बॉक्स वाली। क्या रेट है? 180 के डेढ़ सौ पड़ेंगे, 100 रुपये से। 180 ये 180 है, 150 का ये अच्छी लग रही है। खाली इसमें जो भी है पर खाली
ना रहने क्या ले चलिया। दुकान पे आए यहाँ पे जो है छोटी वाली घूमने के लिए ठीक लग रही है। टी शर्टी वाली तो 150 रुपये के हैं बच्चों के कपड़े, ये भी ठीक है। एक ये और एक ये है, एक लड़के वाला एक लड़की वाला है। तो रेड में लेना है येलो में लेना है वाला एक अच्छा छोटा छोटा, इसमें रबड़ लग रखा है। रेड वाला नहीं ये ठीक है, कपड़ा जो उसका अच्छा लग रहा है ना भाई। एक तो ये कर दो और एक ये कर दो, एक यार इसे भी कर देना यार, ये तीन कर दो। सही रेट लगा दो यार इसका। पैसा है पैसे कितने 450। हो चुकी है अपनी सारी शॉपिंग ख़त्म, अब चलते हैं हम घर की तरफ। टी शर्ट भी हमारे को मिल गई, यहाँ से तो पसंद नहीं आई। अब ये जो है देखते हैं, एक जगह पे छोटी दिख रही है जैसे ले ले छोटी वाली के लिए, मुन्नू के लिए, मुन्नू आज शायद मुन्नू के लिए कुछ लिया गया है, ले लिया हमारे को मुन्नू के लिए शायद कुछ लिया नहीं गया, मुन्नू के लिए लिया गया सारा सामान, मुन्नू हाँ मुन्नू के लिए पहले ले लिया है। टोपी कितने की? टोपी दे दे 40 रुपये। देखो कौन से कलर की लेनी है, यही ऐसा ही लग रही जो हाथ में पकड़ा हुआ टी शर्ट है। नहीं यार
चलो भाई फाइनल हो गया, टोपी टोपी भी ले लिया, अब चलें आप घर। तो दोस्तों इस तरह से होती है हमारी वेडनेसडे की मार्केट की शॉपिंग कंप्लीट। और अब हम जो है मधु को देखते हैं तो घर छोड़ते हैं या फिर देखते तक छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे जाना है शाम के काम पे। अब क्योंकि अब दिन का काम तो हो गया कंप्लीट, अब बच्चों को पालना है तो शाम को काम पे भी जाना पड़ेगा। कुछ इस टाइप का शाम का जो है हमें हो चुका, तो कुछ इस टाइप का जो है मार्केट देखने के लिए मिलेगा। और आज के डेट में ई रिक्शा जो है महान हो चुकी है, हर जगह जो आपको मार्केट में परेशान करते हुए नज़र आएगी।